हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोली। टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम। अब इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं और लॉ ऑफ मोशन हिंदी में गति के नियम कहलाते हैं। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए, क्या हैं वो नियम और उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन थ्री लॉज ऑफ नेचर। द लॉ वर रिटन फर्स्ट बाय न्यूटन इन द ईयर 1686 इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपिया। मैकेनिक्स जो है वो पूरी बेस्ड है थ्री लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर के जो तीन लॉज हैं उसके ऊपर पूरी तरह बेस्ड है। द लॉज वर रिटन फर्स्ट बाय न्यूटन इन द ईयर, किस ईयर में, 1686, और किस कहाँ पर लिखे गए, फेमस बुक प्रिंसिपिया में। हेंस दीज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, दीज लॉज ऑफ न्यूटन आर फंडामेंटल बेस ऑफ काइनेमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। काइनेमेटिक्स हिंदी में गति की, काइनेमेटिक्स वर्ड काइनेटिक से बना है, तो काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, तो गति की। एंड एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, यानी कि जो आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, If a body is at rest, then it will remain at rest. It means, अगर कोई moving, कोई body, कोई भी object rest की position में है, यानी कि विराम की स्थिति में है, then it will remain at rest. वो विराम की स्थिति में ही बना रहेगा. और if it is moving along a straight line में मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देन इट विल कंटिन्यू टू मूव एज सच अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। यानी कि इसका अर्थ है कि जो भी चीज़ प्रेजेंट स्टेट में चेंज करने के लिए, वो तब तक, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव, वो तब तक कंटिन्यू करता रहेगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव एज सच जब तक कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, तब तक वो उसी अपनी सिचुएशन में बना रहेगा, अपनी पोजिशन को बनाए रखेगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ऑन इट टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट, यानी कि उसकी प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए उस पर कोई बल या कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक साइकिलिस्ट है, अगर वो साइकिल रेस्ट की पोजीशन में तब खड़ी हुई है तो जब तक साइकिलिस्ट उसके पैड उसको चलाएगा नहीं, उस पर पैडलिंग नहीं करेगा, उस पर बैठ कर एंड पैडलिंग नहीं करेगा, तब तक वो साइकिल अपनी उसको रिप्लेस नहीं करेगा, वो साइकिल अपनी सिचुएशन में वैसी की वैसी एज इट इज खड़ी रहेगी। और या साइकिल मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो उसी वेलोसिटी में, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी,
वो जब तक या तो उसका डायरेक्शन चेंज करना हो या उसको स्टॉप करना हो तो ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो जब तक वो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो मूव करती रहेगी। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बॉल खेल रहे हैं, बॉल पे बॉल रखी हुई है या तो हम उस पर किक मारते हैं तभी तो वो मूव करती है। तो किक क्या है, किक के द्वारा फोर्स लगाया गया बॉल पे तभी वो मूव की। और अगर कोई चीज़ सामने से आती हुई हम देख रहे हैं है? और वो सामने हमारे आ रही है, हमें उसको रोकना है, तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे हाथ से तो ही वो रुकेगी। कोई आती हुई बॉल है, मान लीजिए किसी हम खेल रहे हैं और उसमें कोई हमारी तरफ बॉल फेंकता है या कोई कोई भी चीज़ मूव करता है, तो हम उसको रोकने के लिए अपने हैंड्स का प्रयोग करेंगे, अपने हाथों का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि हाथों के द्वारा हम बल लगाएंगे, उसको कैच करेंगे तो भी, और उसको अगर हम बल पूर्वक रोकेंगे तो भी हम उसको बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा ही स्टॉप करेंगे। तो यानी कि स्टार्ट करने के लिए भी और उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, दोनों ही स्थितियों में जो मूवमेंट में है उसको स्टॉप करने के लिए और जो स्टॉप में है यानी कि जो रेस्ट की पोजीशन में है उसको मूव में लाने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी is equal to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body in the direction of force. क्या है force applied on a body, जो force apply किया जाता है body पे वो किसके बराबर होता है, is equal to the product of mass. अभी हमने आपको पिछले वीडियो में mass के mass difference between mass and weight के बारे में बताया। तो मास क्या है ये आपको पता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको एक्सेलरेशन क्लियर हो जाएगा। तो मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, जिस दिशा में फोर्स लगाया जाए तो उसी दिशा में तो कोई भी मूविंग बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, अगर कोई टेबल पे बुक रखी है हम उसको इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द किसका किसका, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन produced in the body in the direction of force, force के direction में जो acceleration लग रहा है, तो इन दोनों का तो क्या हो गया formula, F is equal to m into a, तो because a acceleration is vector quantity और तो force, then force is vector quantity और mass is scalar quantity, okay, तो force का जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, न्यूटन के नाम पे ही न्यूटन है, इसको आगे बताएंगे। नेक्स्ट एंड थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि किसी भी क्रिया की एक्शन, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है, थर्ड लॉ जो न्यूटन का है वो हिंदी में उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि एक अगर किसी भी चीज़ पे, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम उस पे लगाते हैं आगे बढ़ाने के लिए उतना ही वो फोर्स उस पे हम पे लगाती है उस स्थिति में बने रहने के लिए। तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। थैंक्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।